YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, आज अभी लोकसभा इलेक्शन का टाइम है, तो आज का टॉपिक में मैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, देश में लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और वोटर लिस्ट में नाम सभी का है, बट इसमें एक चीज और भी है वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम है। इसमें चुनाव आयोग की तरफ से एक इसमें वोटर पर्ची होती है, वोटर स्लिप, वो आपके घर में बीएलओ पहुंचाते हैं कई बार, बट कई बार आपको बीएलओ नहीं पहुंचा पाते, तो उस केस में आप ये वोटर स्लिप नेट से कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये सारी प्रक्रिया मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए आगे बताते हैं वीडियो में पूरी तरह। वोटर आईडी स्लिप के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपने पता कर लें कि आपका जो बीएलओ है, बीएलओ से आप पता कर लें, जो वोटर आईडी स्लिप हमारी आई होगी वो आप दे दें। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबका स्लिप उनके पास आ चुका है, वो स्लिप ले लें आपका। उसमें आपका सीरियल नंबर होगा, इतने सीरियल में आपका नाम है, जो भी आपका वोटर लिस्ट में नंबर है। कई बार आपको उस टाइम वोटर लिस्ट ना मिले तो आपका वोटर लिस्ट ना हो, डॉक्यूमेंट आप अपना कुछ भी दे सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, आधार कार्ड होना चाहिए, नरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ दिखा करके आप वोट दे सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ वोटर लिस्ट स्लिप कैसे निकालेंगे। स्लिप निकालने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, तो मोबाइल में एक गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको वोटर लिस्ट सर्च करने का 3-4 प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया है जो आपका ईपीसी नंबर, जैसे आप डालेंगे जो वोटर लिस्ट का जो नंबर है, वोटर आईडी का जो नंबर है, ईपीक नंबर उसको बोलते हैं, ईपीक नंबर डालेंगे तो वैसे ही आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपका सारा कुछ आ जाएगा, जो आपका नाम क्या है, वोटर लिस्ट कौन से जिला का है, कौन से असेंबली का है, कौन से लोकसभा क्षेत्र का है, ये सारी चीज़ आ जाएंगी आपकी, आपका बूथ संख्या क्या है। फिर आप उसको जैसे आप व्यू में क्लिक करेंगे, व्यू करने के बाद सीधा वो डाउनलोडिंग कर सकते हैं आपका, तो जो वोटर स्लिप है आपका डायरेक्टली अभी डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो आप डाउनलोड करेंगे वोटर स्लिप, वही वोटर स्लिप लेकर के आप इलेक्शन में वोट देने के लिए जा सकते हैं। वोट देने जाने के लिए आपका वोटर स्लिप मैंडेटरी है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अलावे आपके पास वोटर स्लिप होना चाहिए, जिसमें ये पता लगता है कि आपका इस वोटर लिस्ट में नाम है, इतने सीरियल नंबर में नाम है आपका, और इस असेंबली में नाम है, इस लोकसभा क्षेत्र में आपका नाम है। तो वोटर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आप वोटर लिस्ट देने जा रहे हैं तो। अच्छा, इसको डाउनलोड करने का एक दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, गूगल पे जाएंगे आप, उसी में आपका दूसरा प्रोसेस है। गूगल पे जाएंगे, सीधा आप लिखेंगे वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट आपको पूरा वोटर लिस्ट आपको दिख जाएगा, वहां से आप पूरा वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से, और वहां से आप अपना देख सकते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वोटर लिस्ट को। क्या करना होगा, लोकसभा इलेक्शन का एक पोर्टल है, वो पोर्टल आपको ऑन करना है। उस ऑन करने के बाद पोर्टल में आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आएगा वोटर आईडी सर्च, इसमें आप अपने नाम से डाल करके नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, असेंबली क्षेत्र डालेंगे, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कई बार आपके वोटर कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं वोटर कार्ड।